हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 20th of September और अभी सुबह के 10:15 बज चुके हैं। मैंने नहा लिया है और मैं रेडी हो रही हूँ। एक शूट है आज और वो शूट करना ही है मुझे, क्योंकि उसके बाद भी कुछ काम शेड्यूल है तो कल से नहीं हो पाएगा। सो आज मैं वो शूट करने के लिए रेडी हो रही हूँ। साथ में अभी भी उठ गया है, उसको ब्रश वस करा दिया है, बैठा हुआ है वो। और बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आ रहे थे मेरे, मैं कुछ काम में बिजी हुई थी। सो अभी ये व्लॉग मैं अब कंटिन्यू करूँगी, अल्टरनेट डेज या डेली आपको मिलेगा देखने के लिए। सो बने रहे मेरे चैनल पे एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। अभी 10 बज चुके हैं, मुझे बैठना है काम करने के लिए और अभी अभी खेल रहा है वो। सुबह से उठ के अभी दूध भी नहीं पिया, 9 बजे तो सो के उठा है, तो अब मैं जा रही हूँ उसको पहले दूध पिलाती हूँ, उसके बाद फिर बैठ के अपने काम के लिए। फिर जल्दी से फिर आज अभी तो बहुत सारा खेलना है ना, तो थोड़ा उधर ही चलना ना क्योंकि मुझे इधर काम करना है। ओके फिर जल्दी। सो मैंने वीडियो शूट कर लिया है, 2-3 ऑफिस वियर के मेरे पास को लैब आए थे तो मैंने उनका वीडियो शूट किया। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप स्वेटिंग देख सकते हो, पूरा चिप चिप हो रहा है। और जब तक मैं शूट कर रही थी तो अभी ने पूरा मेस कर दिया है, पूरा फैला दिया है। बट ठीक है, अगर मैं शूट कर रही हूँ, मुझे काम करने दे रहा है तो मैं उसको इतना तो फैलाने दूंगी। वो बिजी है अपने खेल में, उसको मैंने दूध पहले ही पिला दिया था। अब जा रही हूँ, थोड़े से अब बादाम रखे हुए हैं मम्मी ने भिगो के, तो वो खाते हैं, मैं भी खाऊंगी और रवि को भी देती हूँ। उसके बाद ये जो वीडियो शूट किया था तो ये कपड़े फैले हुए हैं, वो क्लीन करना है। उसके बाद बैठना है अपना काम करने के लिए, कुछ वीडियो एडिट करना है। और ट्राई करूंगी आज ब्लॉग जाए मेरा तीज वाला, तो मैं 12:30-1 बजे तक शेड्यूल करूंगी। अभी उसको एडिट भी करना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और वॉइस ओवर भी करनी है। हाँ तुम भी ना, अभी क्या करते हो? ये जो रिव्यू के वीडियो में शूट करती हूँ वो आपको देखने के लिए मिलेगा इंस्टाग्राम में, उसका लिंक मैं डाल दूँगी इंस्टाग्राम अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है ऑनेस्ट रिव्यूज़ करके, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ये सारे जो रिव्यू हॉल वीडियो होते हैं ये सारे मैं उस चैनल पर ही डालती हूँ, उस चैनल के लिए ही शूट भी किया है आज। अभी लगभग 10:45 बज चुके हैं और मैं अब बैठूंगी काम करने के लिए। तो 12:30 जब मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद मैं उठूंगी। और यही रूटीन रहता है नॉर्मल डेज़ में कि 12:30 जब वीडियो अपलोड होता है उसके बाद मुझे 5 मिनट का काम होता है वीडियो पे, लैपटॉप से कुछ एडिटिंग करनी होती है लास्ट में अपलोड होने के बाद, तो वो करना इम्पॉर्टेंट है, वो हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेती हूँ और वो फिर टाइम अभी का होता है। उसके बाद जब अभी को खाना खिलाना नहलाना वो इस ड्यूरेशन में ही होता है। उसके बाद फिर अभी जब सो जाता है या खाना खा के वो खेल में बिजी हो जाएगा, उसके बाद मैं दूसरा जो सेकेंड राउंड है अपने काम का, जो भी अगर मैं पेंट करती हूँ तो फिर मैं उस टाइम पे पेंट स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे वीडियो एडिट हो गया है, बस लास्ट प्रोसेस है वीडियो में वॉइस ओवर करना, वो भी बीच बीच में करना होता है क्योंकि बीच बीच में मैं तो बोलती हूँ वीडियो पे, तो पूरे वीडियो पे नहीं करना होता है, वो करके और उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी। बज चुके हैं, अभी मैंने वीडियो एक्सपोर्ट पे लगा दिया है और ये जो मिस है पूरा ये लड़के ने फैलाया है। अब मैं इसको ले जाऊंगी नहलाने के लिए और मुझे बहुत भूख भी लग रही है, ब्रेकफास्ट कुछ हुआ नहीं है, तो मैं इसको नहलाऊंगी, फिर इसको भी खाना खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी, उसके बाद कंटिन्यू करूंगी। हॉस्पिटल
बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अपने बेबी के लिए कौन सा बॉडी वॉश यूज़ करें और आप कौन सा यूज़ करते हो और कौन सा इसके, जैसे अभी के बाल बहुत अच्छे हैं, बाल अच्छे होना तो वो जेनेटिक होता है, सो इसके जेनेटिकली ही अच्छे हैं, बट कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें, शैम्पू या सोप, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है मामा अर्थ का शैम्पू और बॉडी वॉश, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत कम क्वान्टिटी भी लगती है। सो उसको मैं फेस से टो तक बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ और 3 से 4 दिन में के गैप में उसका हेयर वॉश करती हूँ। उसके लिए शैम्पू मैं मामाअर्थ का यूज़ कर रही हूँ। दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं हिमालय का भी शैम्पू यूज़ की हूँ, वो भी बहुत अच्छा है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। और बॉडी लोशन मैं यूज़ करती हूँ डव से, और ये मैं बहुत पहले से, करीबन जब से पैदा हुआ है लगभग तभी से अभी के लिए बॉडी लोशन डव का यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा उसका मॉइस्चराइज़र है और स्किन में काफ़ी टाइम तक रहता भी है और उसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत पसंद है, मैं वो यूज़ करती हूँ। और क्रीम के लिए जॉनसन्स बेबी यूज़ करती हूँ, क्योंकि हिमालय भी मैंने ट्राई किया है और एक दो ब्रांड और, लेकिन मुझे जॉनसन्स बेबी मिल्क क्रीम सबसे अच्छी लगती है। अभी रेडी हो गया है और अब हम लोग खाएंगे खाना। इसमें मैं 2 रोटी, राइस, दाल और रायता, लौकी की सब्जी लेके आई हूँ। इसी थाली में मैं भी खाऊंगी और अभी को भी मैं इसी से खिलाऊंगी, क्योंकि अभी को खाना खिलाने में 20 से 30 मिनट लग जाते हैं और मुझे लगता है जब तक उसको खिलाऊंगी फिर मैं अकेले खाऊंगी तो डबल टाइम वेस्ट होगा, तो मैं भी साथ में ही खाने खा रही हूँ आज। और अभी 12:30 के करीब हुए हैं बस, तो मैं अभी को खाना खिलाऊंगी, उसके साथ वीडियो भी अपलोड करूंगी। सो अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और अभी सोया नहीं, मैंने उसको सुलाने की बहुत कोशिश की, वो नहीं सोया। मम्मी सो रही हैं और भाई भी सो रहा है, तो मैं आ गई हूँ किचन में, उसको मिल्क दूंगी। सो अभी 4 बज चुके हैं और मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बनवा लिए थे जो अभी का नाम चेंज कराना है, तो वो हॉस्पिटल से ही मिला था बर्थ सर्टिफिकेट, और वहीं पे ये नया जो जिसके लिए अप्लाई करना है मुझे जो नाम चेंज कराने के लिए, वो भी वहीं पे होगा। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मैं वेट कर रही थी अभी सो जाए तब मैं जाऊँगी, अभी सोया नहीं तो अब उसको लेके जा रही हूँ। 4:10 हो गए अभी। तो बहुत इजी हो गया यहाँ पे, बस 2 मिनट का काम था। जो डॉक्यूमेंट मैंने बनवाए थे उसको सबमिट कर दिया है और बस बोले कि कल इसी टाइम पे आके ले लो। चलें घर पानी पीना। ओके जल्दी निकालो, चलो चलो चलो। जय भोले बाबा। धुलो धुलो, दोनों हाथ धुलो। जय करो सूर्य की यहाँ के। चलो मंत्र पढ़ो, श्री शिवानुमस्तुभ्यम। बजाओगे?
वो गणेश जी और कार्तिकेय, वो भी कार्तिकेय भगवान जी। काट लेगा कि काम बहुत जल्दी हो गया, इसलिए मैं अभी को लेके आई थी मंदिर। और ये मंदिर मैं तीज में भी यहीं पे आई थी, लेकिन ये यहाँ रोड तक लाइन लगी हुई थी, इसलिए मैं बस बाहर से वहाँ से चली गई थी, देख के बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आज हम लोग आए हैं आइसक्रीम खाने। चल क्या कैसा है पहले पी लो इसको और अब मुझे चाहिए आइसक्रीम। मम्मा मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी खाओ, ज्यादा ज्यादा ना बेटा। इतना ज्यादा ट्रैफिक था, शाम का टाइम था ना जब हम लोग गए थे, और अभी बज गए हैं 5:45। मैं अभी आई हूँ और एक तो रोड भी बन रही है इधर साइड सिरमौर चौराहा जो बीच में एक जगह पे, इतना ज्यादा इतनी ज्यादा डस्ट रहती है कि दिमाग ही खराब हो जाता है। तो अभी मैं आई हूँ, कपड़े चेंज किए, और कल उन्होंने बोला है कि मिल जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट, तो पता नहीं कल जाऊंगी कल या बाद में, क्योंकि कल भी एक फास्ट है, तो देखती हूँ कब जाती हूँ। और अभी के भी चेंज वेंज करा दिए मैंने कपड़े, अभी ये भी कपड़े चेंज हो गए हैं, और अभी को और खेलना है। तो ये पूरा फैला हुआ है अभी। क्या अभी कैसे रोते, नन्नी नहीं ले गई अभी को, मजा आ गया, मजा आ गया। अब मुझे जाना। मैं मजेदार हूँ, वाह 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 वाह। अब मुझे जाना। क्यों जाना है, अभी तो घूम के आए हो। नन्नी को कॉल करो, कहाँ है नन्नी, पता है कहाँ है नन्नी, तुम बताओ। मंदिर में चलो। नन्नी आप कहाँ थी? मैं भी आऊंगा, अब मैं भी आऊंगा। ये नन्नी के पास ले जाएंगी, वो लेने आएंगे। चलो हाँ, वो बोल रहा है कि सोचा कि नन्नी है। मुझे 5:06 के बीच में एक रील डालनी थी, और वो अभी 5:45 बज गए हैं, तो मैं उस पर ही काम कर रही हूँ। एडिट तो मैं करके गई थी, और अब उसको फाइनली डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ। और वॉक करके मैं नीचे आई, तो मैंने देखा पानी पूरी रखी हुई है, मैं ही लेके आई थी, बट अभी तक कोई खाया नहीं था, सो मैं वो खाई थोड़ा सा। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि रात का खाना मैं ही बनाती हूँ और सुबह मम्मी बनाती हैं, तो रात में सब्जी बना ली है मैंने अभी, और मैं बना रही हूँ रोटी। और रोटी बनाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। और बस ये था आज का व्लॉग, मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जानना चाहते हो, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और मैं उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। अभी के लिए बाय बाय।